भगवंत मान पंजाब दे मुख्यमंत्री वजों सहु चुकणगे। वड्डा पंडाल लगाया गया, खटखड़ कला नूं बसंती रंग दे विच रंगण दी अपील कीती गई है। की हो रहीआं ने खास तैयारियां देखदे आं। बानवे सीटा जित आम आदमी पार्टी ने जो इतिहास रचिया है उसे दी बदौलत हुन भगवंत मान 16 मार्च नू पंजाब दे नवे मुख्यमंत्री वजो सहु चुकणगे। खटखड़ कलां च होण वाले सहु चुक समागम दीआं जबरदस्त तैयारियां हो चुकियां ने। समागम दे लई तीन स्टेज तैयार कीते गए ने, एक ते सीएम अते राजपाल, एक स्टेज ते नवे विधायक अते एक ते समागम दे लई विशेष तौर ते पहुंचण वाले वीवीआईपीज बैठणगे। इस समागम दे विच करीब 2 लाख लोकां दे पहुंचण दा अनुमान लगाया गया। सहु चुक समागम दीआं तैयारियां शुरू हो चुकियां ने ते सामने जिहड़ी स्टेज लगी हुई है, जेकर उसका जिक्र करिए तां तीन स्टेजा इत्थे लगियां हुई ने। जिहड़ी सामने बिल्कुल ठीक सामने स्टेज लगी हुई है, इत्थे भगवंत मान होणगे, गवर्नर होणगे ते नाल ही दिल्ली दे मुख्यमंत्री अते आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल होणगे। ते ठीक सामने वाली स्टेज दे उत्ते ही भगवंत मान हल्फ लैणगे मुख्यमंत्री अहुदे दा। इस तों अलावा जेकर इह तीन स्टेजां ने बिल्कुल सेंटर वाली स्टेज दा मैं जिक्र कर रहा कि इत्थे भगवंत मान, केजरीवाल अते गवर्नर होणगे ते इसे स्टेज दे उत्ते सहु चुकी जाएगी। ते इस तों अलावा जेकर इस दे नाल वाली स्टेज की गल करां तां इत्थे कुछ मेहमान होणगे जिन्हां नूं इत्थे जगह दित्ती हुई है, इत्थे मेहमान बैठणगे। ते इस तों नाल तीसरी स्टेज हैगी है जिहड़ी, उत्थे तुसीं देख सकदे हो वी कुर्सियां सजाईयां होईयां ने। हालांकि अजे काम चल रहे ने, पर कल ये जिहड़ा समागम है वह बेहद रंगला रहण वाला है। इत्थे MLAs आम आदमी पार्टी दे जिते हुए उम्मीदवार MLAs वो इत्थे शिरकत करनगे। पूरा समागम 100 एकड़ च तैयार किया गया, जिस 50 एकड़ च वेन्यू होगा अते 50 एकड़ च पार्किंग तैयार की गई है, जिस च करीब 25,000 गड्डियां दे पहुंचन दा अनुमान है। इस तों इलावा 4 हैलीपैड बनाए गए ने। पंडाल तो ये तकरीबन 70,000 कुर्सी है जी, पर बाकी जिहड़ा खुला भी पिछे छड्डिया होया है, तकरीबन 3-4 लाख बंदे दी गैदरिंग वास्ते है। जेकर समागम संबंधी सुरक्षा की गल की जाए तो पूरे समागम च 6 लेयर की सुरक्षा का घेरा होगा, जिस दे लई 6 IG 10 SSP समेत 6,000 जवान तैनात किए गए ने। इस तों इलावा 10 जिलों दीआं मेडिकल टीमां नूं भी तैनात किया गया, 30 एंबूलेंस भी समागम दौरान मौजूद रहणगियां। इसे तरह जे गल रूट प्लैन की कीती जावे तो वह भी ट्रैफिक पुलिस वल्लों जारी कर दिता गया, जिस तहत खटखड़ कलां पहुंचण दे लई लुधियाणा तों फगवाड़ा हुंदे होए तुसीं खटखड़ कलां तक पहुंच सकदे हो। नकोदर तों फगवाड़ा बंगा दा रूट लै सकदे हो। जेकर तुसीं माझे तों आउणा है तां तरनतारन, अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, फगवाड़ा बाईपास, बंगा तों खटखड़ कलां पहुंचिया जा सकदा है। इस तों इलावा पठानकोट, गुरदासपुर, हुशियारपुर अते बटाला तों आउंदे लई गढ़शंकर, मेहंदीपुर बाईपास तों खटखड़ कलां पहुंचिया जा सकदा है। सहु चुक समागम के मद्देनजर आम आवाजाई के लिए रोपड़ तो फगवाड़ा तक का सीधा रूट बंद किया गया, यानी चंडीगढ़ जाने के लिए हुण जलंधर तो मोहाली वाया पुलाराई चौंक तो आना होगा। जलंधर तो चंडीगढ़ जाने के लिए जलंधर, हुशियारपुर, बलाचौर, रोपड़ तो चंडीगढ़ पहुंचा जा सकता है। इस अलावा जलंधर, फगवाड़ा, लुधियाना का रूट लिया जा सकता है। जलंधर, हुशियारपुर, गढ़शंकर, बलाचौर, मोहाली तो चंडीगढ़ आया जा सकता है। जलंधर तो आनंदपुर साहब जाने लई जलंधर, फगवाड़ा, महतियाणा, गढ़शंकर, आनंदपुर साहब का रूट लिया जा सकता है। फिलौर राहो, मतेवाड़ा राहो माछीवाड़ा, पीरोवाल, रोपड़ तो आनंदपुर साहब पहुंचा जा सकता है। 2022 दी चोणां दौरान इतिहास रचण वाली आम आदमी पार्टी के लिए यह सहु चुक समागम भी इतिहासक हो जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी नूं कैबिनेट बनाउण दी कोई काली नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 16 मार्च नूं सिर्फ भगवंत मान ही मुख्यमंत्री अहुदे की सहु चुकणगे। पंजाब सरकार की नवी कैबिनेट का गठन बाद च कीता जाएगा। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।